हाय गाइस आज मैं आपके सामने जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो होने वाला है एक सीरम और ये है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी लगा करके कि सीरम लगाने से आपकी स्किन पे क्या फर्क पड़ता है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज सीरम ऑन अ डेली बेसिस ये सीरम गुड वाइब्स का है एंड दिस इज रोज हिप सीरम इसके पहले भी मैंने कई सारे सीरम्स इस्तेमाल कर रखे हैं गुड वाइब्स के एंड दे हैव गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट तो इसलिए इस बार भी मैंने रोज हिप सीरम को परचेज किया ये मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अलग अलग नो डिफरेंट टाइप के और भी सीरम मैंने पहले यूज़ किए हुए हैं तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि सीरम लगाने से आपकी स्किन पे क्या फ़र्क पड़ते पड़ेगा लाइक द बिफोर इफेक्ट एंड दी आफ्टर इफेक्ट तो राइट नाउ मेरी स्किन बिल्कुल बेर है मैंने कुछ भी अभी लगाया नहीं है कोई फेस पे कुछ भी मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है दिस इज हाउ आई हैवन माई बार्ड आई कम योर टू मिट दिस वीडियो और क्लीन uh, है फेस मेरा बिल्कुल क्लीन है अभी तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस ऐसी बेर स्किन और इसको लगाने के बाद जो इफेक्ट पड़ता है वो उस पर हम डिस्कशन करेंगे राइट सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे लगाना कैसे होता है और तो सबसे खास बात गुड के सीरम की ये होती है कि इसके अंदर कोई भी पैराबिन नहीं होता कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं की जाती कोई भी किस्म का सल्फेट नहीं होता तो ये टू ट्वेंटी का मुझे मिला था एंड uh, इसके साथ ड्रॉपर आता है जिससे कि आपको इसे, इसे इस्तेमाल करना है लाइक like आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है थोड़ा सा आपको ड्रॉप्स में डालना है एंड देन यू हैव टू जस्ट मसाज इट ऑल ऑफ योर स्किन जब तक कि वो एब्सार्ब नहीं जाता है राइट तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूं राइट तो ये मैंने डाल है। अब मैं इसे दो उंगलियों से बस मसाज करूंगी जनरली आप जब कुछ भी लगाए तो दो उंगलियों का ही इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप पूरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा जो सारा जो प्रोडक्ट है वो आपके हाथों में ही रह जाएगा तो मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी आप इस तरह के कोई भी सीरम या मॉइस्चराइजर भी लगाएं तो हमेशा दो उंगलियों का इस्तेमाल करें तो गई देखो मैंने अभी लगा लिया है अब मैं आपको एक क्लोजर लुक देती हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इसका क्या इफेक्ट करा आपने मेरी पहले की स्किन भी देखी है थोड़ी देर पहले ही अब मैं आपको दिखाती हूँ सीरम लगाने के बाद इसको आपको 10 मिनट तक छोड़ना होता है अपनी स्किन के ऊपर और उसके बाद ही आप कोई अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर जो भी आप लगाते हैं आप उसे यूज कर सकते हैं राइट तो मैं आपको भी क्लोजली दिखाती हूँ कि ये कैसा इफेक्ट इसने डाला है मेरी स्किन के ऊपर तो कैन यू सी दैट दी नेचुरल ग्लो ऑन माई स्किन बिल्कुल भी ग्रीजी या ऑयली नहीं है स्किन बिल्कुल भी सॉफ्ट है एंड द इज़ नो ग्रीजीनेस और ये लगाने के बाद एक नेचुरल ग्लो आप देख सकते हैं मेरी स्किन के ऊपर वो एक नेचुरल ग्लो आ रहा है विच इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू यूज सीरम ऑन योर फेस और मेरी ऑयली स्किन है तो मैं बहुत हैवी सीरम यूज़ नहीं कर सकती अदरवाइज क्या होता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा ऑयल से करने लगती है और उसे एक्नो ब्रेकआउट्स वगैरह होने लगते हैं मैं बहुत हेवी वाला कोई भी सीरम यूज नहीं करती लाइट सीरम यूज करती हूँ तो सीरम आ रहे हैं दे आर वेरी वेरी गुड और आप उसे यूज भी कर सकते हैं आप इसके रिव्यूज ऑल ओवर देख सकते हैं आप कहीं भी देखना बेस्ट सेलर्स होते हैं और बहुत अच्छे बहुत इफेक्टिव होते हैं स्टिल आई हैव नॉट पुट ऑन एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर एंड यू कैन लुक एट द ग्लो ऑन माय फेस मॉइस्चराइजर आप 10 मिनट के बाद लगाए ताकि सीरम आपका अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए आपकी स्किन के ऊपर राइट right? इससे क्या होगा आपकी स्किन काफी ज्यादा नेचुरली ग्लो करेगी और रेडियंट रहेगी हमेशा